सदियों की आस्था के लिए दुर्ग संभाग के राम भक्तों ने बुधवार को दुर्ग स्टेशन से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। वहीं इस अवसर पर स्टेशन पहुंचे मंत्रियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। दुर्ग संभाग के राम भक्तों का जत्था बुधवार को दुर्ग रेलवे स्टेशन से अयोध्या दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन द्वारा 12:20 पर रवाना हुआ। इस आस्था स्पेशल ट्रेन को यात्रा प्रभारी धर्मलाल कौशिक और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर लगभग 1340 यात्रियों से भरी राम भक्तों की 20 बोगियों में सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रत्येक बोगी में एक एक जवान नजर आ रहा है। साथ ही इस ट्रेन को दो पुरुष पायलटों के साथ एक महिला को पायलट रीना के साथ रवाना किया गया। इस दौरान स्टेशन में भाजपा सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। अयोध्या दर्शनार्थियों को उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राम भक्तों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रवाना हुई है आस्था स्पेशल, आप लोगों ने देखा होगा उस पर पट्टी लगा हुआ है अयोध्या धाम का, और अयोध्या धाम के लिए राम भक्त रवाना हुए हैं। वहाँ कार्यकर्ता के द्वारा स्वागत किया जाएगा, टोली हमारी गई हुई है और राम भक्तों को भगवान रामलला का दर्शन कराएंगे। उनके रुकने की व्यवस्था, भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी वहाँ अयोध्या वासियों के द्वारा की गई है। ये बहुत ही उत्साह का राममय वातावरण पूरा छत्तीस हिंदुस्तान दिख रहा है। आज छत्तीसगढ़ भी स्टेशन में देखे होंगे, पूरा जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ से विदा हुए हैं। पार्टी में सभी वरिष्ठ नेता हमारे क्लस्टर वाइज और हमारी टीम बन चुकी है, हमारे प्रभारी सह प्रभारी से लेकर लोकसभा के चुनाव के हमारे संयोजक सह संयोजक प्रभारी, हमारे विधानसभा क्षेत्र से लेकर सभी क्षेत्रों में और बैठकें हो चुकी है, उसकी वर्कशॉप हो चुका है, कार्यशाला हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधि से लेकर हमारे बूथ कमेटी के सदस्य तक, पदाधिकारी तक और लोकसभा की तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश का लक्ष्य 11 की 11 लोकसभा जीतने का है और इस संदर्भ में वे सारी तैयारियों पर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे इस लोकसभा के विजय अभियान लोकसभा के प्रत्याशी निर्धारण करने का जो वो है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के आधार पर संसदीय बोर्ड, हमारे जो केंद्र की है, वरिष्ठ नेतागण है, अभी सभी जैसे जैसे दिशा निर्देश मिलते जाएगा और जीत का मापदंड प्राथमिकता के आधार पर होगा, वो तो उसके सबसे प्राथमिकता है जीत निश्चित रूप से। 11 की 11 लोकसभा में बहुत उत्साह है जनता में, मोदी जी की योजनाओं का जिस तरीके से लाभ मिल रहा है और गारंटी योजना है उनकी, हमने उनको चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बोला, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अपना पदभार ग्रहण करते ही तुरंत और शपथ लेने के बाद और कैबिनेट की बैठक में वे सारी योजनाओं की मंजूरी भी दी, स्वीकृति भी प्रदान किया है। हमारा मेहतरी बंदनी योजना से लेकर 18 लाख जो गरीब आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। हमने किसानों को लेकर जो बकाया 2 वर्ष का बोनस है तत्काल उनके खातों में दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मोदी जी का एक जो लक्ष्य वाक्य है उनका कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, उसकी अवधारणा के साथ भारतीय जनता पार्टी कहते हैं मोदी हैं तो मुमकिन है। देखिए 500 साल से भी ज़्यादा समय से इस अवसर की प्रतीक्षा थी, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में पूरे देश में उत्साह का वातावरण है। मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे दुर्ग संभाग के ऐसे 20 विधानसभा क्षेत्र के श्रद्धालुगण इस आस्था ट्रेन से रवाना हुए हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाने के लिए, उन्हें प्रणाम करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और हम सब यहाँ पर उनको उत्साह और उल्लास के वातावरण में हम सब उनको प्रणाम करने आए, उनका अभिनंदन करने आए। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली के लिए वे सभी प्रार्थना करेंगे। वहाँ पर अद्भुत वातावरण, जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया पूरा, और पूरे दुर्ग से, अलग अलग क्षेत्रों से, जिले से, विधानसभा क्षेत्रों से सभी उनका यहाँ पे उनको विदा करने के लिए, उनको छोड़ने के लिए, उनका स्वागत सम्मान करने के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत वास्तव में धन्य है ये सारे और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से उनको बहुत शुभकामनाएं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो जन भावनाओं को ध्यान में रखे, पूरे देश पूरे विश्व के जन जन में एक भाव था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मंदिर में पुनर्स्थापित हो,
लोगों का एक स्वप्न था, कई पीढ़ियां गुजर गई 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी पुनः 22 तारीख को रामलला विराजित हुए हैं। रामलला के दर्शन के लिए रामलला दर्शन तीर्थ क्षेत्र योजना के तहत आज आस्था ट्रेन भारत सरकार ने चालू किया, जिसमें पहला जत्था छत्तीसगढ़ का पहला जत्था दुर्ग से रवानगी हुआ है। उसके लिए मैं श्रद्धेय मोदी जी का और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने दुर्ग को चुना, दुर्ग से 1340 हमारे राम भक्त दर्शन के लिए गए और उन सारे राम भक्तों को मैं बधाई देता हूँ। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए जाने का उनको लाभ मिला, प्रभु श्री रामचंद्र जी को बुलाया और दोबारा फिर से दूसरी जत्था और निकलेगी, जल्दी निकलेगी, फिर से हम दुर्ग के लोगों को भेजेंगे। राम मंदिर का निर्माण एक 500 साल पुरानी मांग है। रामलला अपने छतरी के नीचे विराजमान हुए हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ की भाजपा ने एक स्पेशल ट्रेन चलाया है। इस स्पेशल ट्रेन से यहाँ के श्रद्धालु जो राम भगवान के दर्शन की मनोकामना रखते थे, इच्छा रखते थे, उनको आज भेजा गया है। जल्द ही आस्था ट्रेन भी चालू होगी, जिससे श्रद्धालु जो हमारे संकल्प पत्र में कहा था कि रामलला के दर्शन की एक योजना लाई गई थी, वो संकल्प को भी पूरा किया जाएगा। अभी भाजपा की तरफ से ये आस्था ट्रेन चलाई गई है और एक रजिस्ट्रेशन शुल्क लेकर लोगों को वहाँ निःशुल्क भोजन रहना सारी व्यवस्था भाजपा की ओर से कराई जा रही है, छत्तीसगढ़ के शासन की ओर से कराई जा रही है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना और उनकी मूर्ति की स्थापना के पश्चात मोदी जी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सानिध्य में और उनके सहयोग के माध्यम से आज प्रथम ट्रेन आस्था स्पेशल ट्रेन जो हमारे दुर्ग की पावन धरा से रवाना हुई है। और इस आस्था स्पेशल ट्रेन में दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले 20 विधानसभा के लगभग 1420 यात्री और राम भक्त इस ट्रेन से रवाना हुए हैं। हम सबके लिए सौभाग्य पल है कि हम इसके साक्षी बने और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की अगर इच्छा होगी तो बहुत जल्द हम भी इसके दर्शन को उनके अयोध्या में पहुंचेंगे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।